आज 3 अगस्त को डिफरेंट शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम हुए उनमें से मैंने नंबर सीरीज लिया है। दरअसल क्वांट सेक्शन 20 मिनट्स कर देने के कारण स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, उसमें नंबर सीरीज बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। 40 क्वेश्चंस में यदि आप 20 कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा माना जाएगा। जो डिफरेंट शिफ्ट्स में स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स रहे हैं, वो स्कोर रहे हैं, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। तो नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जैसा भी आए डिफरेंट शिफ्ट में, मैंने 2 शिफ्ट्स के लिए हैं, मज़ा आएगा। चलिए आइए देखते हैं। लेकिन आप एक बात जानते हैं, स्लोप मेथड क्या है? मैक्सिमम स्लोप, मीडियम स्लोप, दोनों के बीच में एवरेज या मीन स्लोप और मिनिमम स्लोप, जिसमें टाइम्स नहीं होता, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा स्लोप जिसको मैक्सिमम स्लोप बोले, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मल्टीपल होता है, बाकी 2 सीरीज भी हो सकते हैं और अप्स डाउन्स भी। एकदम शॉर्ट में ये स्लोप मेथड का मतलब है। आइए, 2 सेट के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले मिसिंग नंबर सीरीज है और फिर रॉन्ग नंबर सीरीज। देखिए, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और ये टाइम्स नहीं हो रहा। टाइम्स नहीं हो रहा का मतलब ये है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में छुपा है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हमें मालूम नहीं है। चले यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये है +40, यहां क्या है +20, तो होना चाहिए +10 और ये +5। अब है कि नहीं देखते हैं, क्योंकि 5 ही नंबर्स हैं इसलिए हमें चेक करना होगा। दिस इज 19, यस +10, यानी ये सही है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और टाइम्स नहीं हो रहा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का सवाल है। कितना है ये 38, ये कितना है 57, ये कितना है 41, 46, 76, ऐसे ही करते हैं। अब देखिए हमें क्या दिखता है, 19 × 2, 19 × 3, 19 × 4, इसका मतलब 19 × 5 होना चाहिए, यानी कि +95 होना चाहिए, यानी कि 330 होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगला सवाल आइए देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और यस टाइम्स हो रहा है, तो इसका पता यहां से चलेगा, × 3 +3 जो हमें दिख रहा है, × 2 +2, × 1 +1, तो रूल सही है। इसका मतलब ये है × 4 +4, यानी 375 का डबल 304, और × 5 +5, बताइए 1525 होगा कि नहीं, ये आंसर है कि नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को देखिए, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और ये टाइम्स नहीं हो रहा, तो हम यहां पर देखते हैं कितना है ये, 55 + 9 = 64, 64 माने अभी पता नहीं हमें, 9 = 20 = 125, यस अब पता चल गया कि ये 5³ है और ये 4³ है, तो इसका मतलब होना चाहिए यहां पर 6³ और यहां पर 7³। हम लोग वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, अभी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये +343 होना चाहिए, यानी 704 और ये 216 है कि नहीं, यस इसीलिए सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और ये कहता है कि ये × 6 = 4 है, ये क्या है × 5 है, ये क्या है × 6 है, 6 × 5 = 4 है, तो ये × 3 होना चाहिए, यानी कि 900 आंसर। जल्दी बताइए होगा, ठीक है। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन, देखिए, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और टाइम्स नहीं हो रहा, हम लोग यहां पर देखते हैं -7, यहां पर देखते हैं -11,
मालूम नहीं क्या है। -13 अब समझ में आ गया, -17 कंजुगेटिव प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि -5 होना चाहिए, यानी कि 47 आंसर है। जल्दी बताइए होगा, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन का एक शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन सेट है। अब हम लोग चलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज में कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है कि जब तक अविश्वास का कारण ना हो तब तक विश्वास कीजिए, लेकिन जहां धुआं है आग वहीं है। ये इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं इसके। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, टाइम्स देखिए अप्स डाउन्स है हमें नहीं मालूम, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है तो हम पूछते हैं। +2 है, यहां पर क्या है -4, यहां पर क्या है +6 और -8, ये तो रूल कंफर्म हो गया। फिर +10, +10 होना चाहिए और -12 होना चाहिए, इसका मतलब 22 इज रॉन्ग, यहां पर 20 होना चाहिए था। जल्दी बताइए होना चाहिए था या नहीं, 22 इज रॉन्ग। रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ, जल्दी बताइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और टाइम्स नहीं हो रहा तो पूछते हैं ना, ये क्या है +4, ये क्या है +9, इसके बाद +16, यस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे चल रहा है। आगे आइए, प्लस क्या होना चाहिए 25, सो दैट की 5 स्क्वायर, 25 होने से इसे 73 होना चाहिए था। अभी हमें नहीं मालूम, लगता है कि ये गलत है, लेकिन थोड़ा चेक कर लेते हैं, यहां से नहीं करके यहां करते हैं, समझ में आ जाएगा। +49, यस 7 स्क्वायर, हमारा मानना सही था, यानी हमें चेक करने की जरूरत नहीं। क्लियर, जल्दी बोलिए, यानी रॉन्ग नंबर क्या हुआ, +72 इज रॉन्ग। ठीक है, अगला सवाल देखिए। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, ये तो भाई × 7 है, होगा फिर कुछ समथिंग प्लस माइनस मालूम नहीं, × 6 है, इसे × 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, × 2 6 + 1 21 प्लस जा घर पड़ा है, जहां धुआं है आग वही है। आइए यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं 3000, देखिए 3600 प्लस देखिए 30 बोले ना, यानी +6 नहीं समझे, देखिए 3000 3600 मतलब 3360 और 30 90 और 6 इसने इशारा कर दिया, इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं, 3400 से करना है नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, यहां पर करते हैं +560 + 5, रूल इज कंफर्म, यानी यहां होना चाहिए +4, यानी दिस इज रॉन्ग। ये तो सही है, यहां पर गड़बड़ है, 27 रॉन्ग, इसे होना चाहिए था +3 24। रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ, 27, जल्दी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, यस यस यस, यहां पर × 4 लग रहा है, उसके बाद पता नहीं क्या है, और यहां पर × 3 लग रहा है, यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर 2 लग रहा है, और जैसे ही ऐसा आया तो सोचने लगे कि यस 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 ये स्लोप है। जल्दी बताइए, यानी यहां पर होना चाहिए 3.5, कैसे करते हैं,
9 to 7 बोलते हैं 6:30 का हाफ 315 होना चाहिए था ताकि इंटू फोर ये हो जाए. 317 इज रॉन्ग. रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ? होगा ना. और रॉन्ग नंबर सीरीज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या है. इतना बड़ा नंबर इधर से सोचते हैं, इधर से सोचते हैं 16 टाइम्स, लेकिन करते हैं ऐसे डिवाइडेड बाय 16, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 0.5. यानी इसे होना चाहिए था डिवाइडेड बाय 1 मतलब वही 6.25, ताकि इसका हाफ का डबल हो जाए तो फिर इतना हो. जल्दी बताइए, एक सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन. बोलिए कैसा लगा. रॉन्ग नंबर क्या हुआ? 3.12. कैसा लगा, कैसा लगा ये दोनों सेट, कैसे लगे, मजेदार हैं कि नहीं. जिसको स्लोप मेथड पर कमांड हो जाए उससे नंबर सीरीज में कोई गलती हो ही नहीं सकती, और ये आपके सक्सेस में जबरदस्त रोल अदा करेगा. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय.